हेलो स्टूडेंट्स, आज के सेशन में अपन बात करते हैं बेटा पी ब्लॉक एलिमेंट्स की, जिसमें पी ब्लॉक में अपन बात करेंगे 13 ग्रुप एलिमेंट्स। तो यहां पे देखिएगा, ग्रुप 13 एलिमेंट्स को अपन डिस्कस करने जा रहे हैं। इंट्रोडक्शन एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप 13 एलिमेंट्स, ठीक है। 13 एलिमेंट्स को आप थर्ड ए बी बोलते हैं बेटा, थर्ड ए एलिमेंट, क्लियर। देखिएगा 13 ग्रुप एलिमेंट्स में बोरॉन प्रेजेंट होता है, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थेलियम, ओके। इसके बाद देखिएगा इसकी पोजीशन कहां पर होती है, उसको अपन देख लेते हैं। और यहां पर इनका जो प्लेस है वो 13 और थर्ड ए ग्रुप माना जाता है। तो आप कह सकते हैं बेटा, दीज एलिमेंट्स आर प्लेस इन 13 या थर्ड ए ग्रुप इन द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, ठीक है। कौन से नंबर पे प्रेजेंट होता है ये, थर्ड ए ग्रुप पर, या यूं कह सकते हैं 13 ग्रुप पर बोरॉन टू थेलियम एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। ये देखिएगा, ये आपके पीरियोडिक टेबल का फॉर्मेट है, जिसमें 13 ग्रुप जो है वो यहां पर प्रेजेंट होता है। ये क्या है, थर्ड ए ग्रुप, क्या बेटा, थर्ड ए ग्रुप है, ओके, थर्ड ए ग्रुप है, क्लियर। यहां पर ये प्रेजेंट है, क्लियर। और ये पी ब्लॉक में राइट हैंड साइड पीरियोडिक टेबल में मेंशन किया जा रहा है। इसके बाद अपन बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ थर्ड ए ग्रुप एलिमेंट्स। किसकी बात करते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ थर्ड ए ग्रुप एलिमेंट्स की। देखिएगा, बोरॉन के लिए 5 एटॉमिक नंबर होता है, इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6 ना होके 2p1 रहेगा, क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रिप्रेजेंट करना है, एटॉमिक नंबर 5 होता है। तो 1s2, 2s2, 2p1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका प्रेजेंट होगा। आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं बेटा, आउटर सेल, ये आउटर सेल है, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, क्लियर। एल्यूमिनियम 13 एटॉमिक नंबर, तो इसके लिए देखिएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p1 हो जाता है। क्या हो जाता बेटा, 3p1 हो जाता है। अभी भी यहां पर क्या है, आउटर सेल में 3 इलेक्ट्रॉन ही प्रेजेंट हैं। कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे बेटा, 3 इलेक्ट्रॉन। तो अपन कह सकते हैं थर्ड ए में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 3 प्रेजेंट होते हैं, क्लियर। नेक्स्ट देखिएगा, गैलियम 31 इसके लिए हो जाता है बेटा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p1, ठीक है। तो यहां पर देखिएगा, आपने देखा है कि जस्ट जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगा, इसमें आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4s2 और 4p1, तो 2 और 1, यहां पर भी क्या है, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट देखिए बेटा, इंडियम 49, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4s, ये 4p6, 5s2 एंड 4d10 और हो जाएगा 5p1। तो यहां पर भी क्या है बेटा, 5s2 और 5p1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, जो 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है, क्लियर। नेक्स्ट देखिएगा, थेलियम 81 के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2, 4p6, 4d10, 4f14, 5s2, 5p6, 5d10, 6s2, 6p1, क्लियर। इसके बाद देखिएगा, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है, इसके लिए हो जाएगा आपके ns2 np1, क्या होता है, ns2 np1, जिसमें आउटर सेल में ये रिप्रेजेंट होता है, और टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने रहते हैं इस ग्रुप के लिए, 3। तो आप कह सकते हैं दियर जनरल इलेक्ट्रॉनिक मोस्ट, ये जनरल आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज वो ns2 np1 होता है, क्लियर। नेक्स्ट देखिएगा बेटा, यहां पर
ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को रिप्रेजेंट किया जा रहा है जहां पर एलिमेंट्स हैं, फिर यहाँ एटॉमिक नंबर दिया गया है और उसके आगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो इनर्ट गैस को मेंशन करते हुए शॉर्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। बोरोन के लिए देखिएगा 5, तो हीलियम 2s2 2p1 हो जाता है, एल्यूमिनियम 13, नियॉन 3s2 3p1, गैलियम 31, ऑर्गन 3d10 4s2 4p1। तो देखिएगा यहां पर क्या हो रहा है बेटा, 3 3 इलेक्ट्रॉन आउटर इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट इंडियम 49, क्रिप्टॉन 4d10 5s2 5p1, और नेक्स्ट हो जाएगा आपके थेलियम 81। ये होता है जिनोन 4f14 5d10 6s2 6p1। तो आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, सभी में 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट आप कह सकते हैं इन द पेनल्टीमेट सेल बोरोन, पेनल्टीमेट सेल में बोरोन की बात करें तो बोरोन में ओनली 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, एल्यूमिनियम में 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, एंड अदर एलिमेंट्स जैसे अपन बात करते हैं गैलियम इंडियम एंड थेलियम, इन सभी में 18 इलेक्ट्रॉन पेनल्टीमेट सेल में प्रेजेंट होंगे बेटा। क्लियर। नेक्स्ट देखिएगा कुछ क्वेश्चंस हैं एमसीक्यूज। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ थर्ड ए ग्रुप एलिमेंट्स इज NS2NP2, NS1NP2, NS2NP1 और NS2NP3। तो थर्ड 13 या थर्ड ए ग्रुप के लिए NS2NP1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है बेटा। नेक्स्ट अबेंडेंस ऑफ ग्रुप 13 एलिमेंट्स, तो अबेंडेंस देखते हैं इन ग्रुप्स में एलिमेंट्स की, तो 13 ग्रुप में एलिमेंट्स की अबेंडेंस देखेंगे बेटा। बोरॉन, बोरॉन के लिए आप बोल सकते हैं बोरॉन इज ए रेयर एलिमेंट, मेनली इट अकर इन कंबाइंड स्टेट, और ये कंबाइंड स्टेट में ही प्रेजेंट होगा। इट इज ए टू आइसोटॉपिक फॉर्म, और ये टू आइसोटॉप्स में रिप्रेजेंट करता है, B10 और B11। B10 जो होता है 19% अवेलेबल होता है और B11 81% अवेलेबल होगा। क्लियर। इंपॉर्टेंट मिनरल्स ऑफ बोरॉन, बोरोन के काफी सारे ऐसे मिनरल्स हैं जिनके बारे में बारी बारी से पूछा जाता है, तो यहां पर इंपॉर्टेंट मिनरल्स ऑफ बोरोन को डिस्कस कर लेते हैं अपन। बोरेक्स, सबसे पहले अपन बात करते हैं बोरेक्स की। देखिएगा यहां पर Na2B4O7.10H2O। काफी बार ये पूछा जाता है कि बोरेक्स में हाइड्रेट वाटर मॉलिक्यूल कितने हैं, तो कितने बेटा, 10। क्लियर। नेक्स्ट देखिएगा यहां पर कार्नेलाइट, जिसे राजोराइट भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है बेटा, राजोराइट। ये क्या होता है Na2B4O7 4H2O, इसमें हाइड्रेट वाटर मॉलिक्यूल 4 परसेंट होते हैं। नेक्स्ट हो जाता है ऑर्थोबोरिक एसिड, जिसे आप H3BO3 कहेंगे, क्या कहेंगे, H3BO3। नेक्स्ट हो जाएगा आपके कॉलेमेनाइट, कॉलेमेनाइट क्या हो जाएगा बेटा, Ca2B6O11 5H2O। क्लियर। ये इसके इंपॉर्टेंट 4 मिनरल्स हो जाते हैं जिनमें बोरॉन कंबाइंड फॉर्म में मिलता है। क्लियर बेटा। नेक्स्ट एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम इज द मोस्ट अबंडेंट मेटल, और यहीं पर अपन बात करें कि अर्थ क्रस्ट में मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट कौन है, तो आप कह सकते हैं ऑक्सीजन, क्या कहेंगे, ऑक्सीजन, और मेटल की बात करें तो एल्यूमिनियम। ठीक है, एंड थर्ड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट, और थर्ड नंबर का मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट या यूं कह सकते हैं मेटल है। क्लियर। एल्यूमिनियम देखिएगा, एल्यूमिनियम का क्रिस्टलाइन फॉर्म लैटिस फॉर्म ये हो जाता है। इंपॉर्टेंट मिनरल्स, इसके इंपॉर्टेंट मिनरल्स को अपन डिस्कस कर लेते हैं। कोरंडम Al2O3, क्या होता है बेटा, Al2O3। सेकेंड हो जाएगा आपके डायस्पोर, ये Al2O3H2O मोनोहाइड्रेट फॉर्म में रहेगा। बॉक्साइट, ये डाइहाइड्रेट फॉर्म में रहता है, Al2O3.2H2O। फिर होता है गिप्साइट, गिप्साइट होता है थ्री मॉलिक्यूल्स ऑफ
H2O मोल। देखिएगा यहां पर अपन बात करते हैं कि यहां पर मोनोहाइड्रेट, डाइहाइड्रेट और ट्राइहाइड्रेट फॉर्म में ये मिलेगा। तीनों ही क्या है, अलग अलग मिनरल हैं, ठीक है, डायस्पोर, बॉक्साइट और गिप्साइट। क्लियर। नेक्स्ट देखिएगा क्रायोलाइट। क्रायोलाइट क्या होता है बेटा, Na3AlF6, क्या बोलेंगे इसको, Na3AlF6। और नेक्स्ट होता है फेल्सस्पार। फेल्सस्पार क्या होता है बेटा, पोटेशियम एल्यूमिनियम ट्राई सिलिकेट, आप बोल सकते हैं इसको, या फिर यूं कह सकते हैं KAlSi3O8, ठीक है, ये क्या होता है आपके फ्लॉसस्पार, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा गैलियम इंडियम एंड थेलियम लेस अवेंडेंट होते हैं, ये हाईली टॉक्सिक नेचर के होते हैं। क्या होता है बेटा, हाईली टॉक्सिक नेचर या पॉइजनस नेचर के होंगे, डेंजरस, ओके, डेंजर होते हैं ये। नेक्स्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ अबेंडेंस, अब ऑर्डर देख लीजिएगा अबेंडेंस का, टॉप टू बॉटम डिक्रीज होता चला जाता है। एल्यूमिनियम गैलियम क्रिस्टल साथ में है बेटा, देखिएगा इनके, बोरॉन थेलियम इंडियम, ठीक है। अब देखिएगा यहां पर बोरॉन टॉप पर है, बट ये थर्ड नंबर पर ग्रुप में अबेंडेंस शो करता है। क्लियर। सबसे ज्यादा यहां पर क्या मिलेगा इस ग्रुप में, एल्यूमिनियम। परसेंट अबेंडेंस क्या होता है इसका, 8.2%, मतलब आप बोल सकते हैं 82,000 ppm पार्ट पर मिलियन, ओके। नेक्स्ट आप बात कर सकते हैं गैलियम के लिए 0.0018%, मतलब 18 ppm। नेक्स्ट हो जाता है बोरॉन, बोरॉन में 0.0001%, मतलब 10 ppm। नेक्स्ट थेलियम में 0.00006%, मतलब 0.6 ppm। और इंडियम 0.05 ppm% मिलता है। क्लियर। क्या तो इनका अबेंडेंस जो लेवल है वो पीपीएम में मेंशन किया गया है यहां पर, ठीक है। पीपीएम और पीपीजी, ये पीपीबी जो है वो बहुत कम अमाउंट को रिप्रेजेंट करने के लिए कंसंट्रेशन टर्म्स होते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन में आप लोग कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ोगे बेटा, जहां पर मिनिमम अमाउंट को, सॉल्यूट के मिनिमम अमाउंट को डिस्कस करते हैं, वहां पर पीपीएम, पीपीबी, परसेंट डब्ल्यू बाई डब्ल्यू, परसेंट डब्ल्यू बाई वी को कंसिडर करते हैं, और उनसे आप इनका अमाउंट डिस्कस करते हैं या डिटरमाइन कर लेते हैं। क्लियर बेटा। नेक्स्ट देखिएगा यहां पर क्वेश्चन है, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन बोरेक्स। बोरेक्स में वाटर मॉलिक्यूल मतलब डिहाइड्रेटेड मॉलिक्यूल कितने परसेंट है। फर्स्ट ऑप्शन है 6, सेकेंड 8, 9, 10, तो जाएगा 10। फॉर्मूला ऑफ कोरंडम इज Al2O3.H2O, Al2O3.2H2O, Al2O3, Al2O3.3H2O, क्या हो जाएगा, Al2O3, ठीक है। मिनरल्स अभी अभी अपन ने स्लाइड में देखा था, पीछे स्लाइड जो गई है उसमें अपन ने कोरंडम Al2O3 को देखा है। फॉर्मूला ऑफ क्रायोलाइट इज क्रायोलाइट Na3AlF6, 3NaFeAlF3। तो आप यहां पर दो फॉर्म में क्रायोलाइट को डिस्कस कर सकते हैं। देखिएगा यहां पर Na3AlF6 ये कंप्लीटली कंबाइंड फॉर्म है, क्या बेटा, कंप्लीटली कंबाइंड फॉर्म होती है, बट यहां पर हाफ मॉलिक्यूल थ्री मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में और हाफ जो है वो AlF3 मॉलिक्यूल के फॉर्म में ऐड हुआ है, ठीक है, ये एडिशन फॉर्म में है, तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, एडिशन फॉर्म, ओके, ये एडिशन फॉर्म में रहेगा। तो आप कह सकते हैं बेटा यहां पर कि थर्ड आंसर इसका जाएगा कि क्रायोलाइट को दो फॉर्म में आप रिप्रेजेंट करते हैं, Na3AlF6 फॉर्म में जो एक कंप्लीट मॉलिक्यूल है, और सेकेंड है आपके 3NaF.AlF3, तो ये एडिशन फॉर्म, दो मॉलिक्यूल एड एड वे शो हो रहे हैं यहां पर। क्लियर, ओके। नेक्स्ट देखिएगा यहां पर तो ए एंड बी आंसर इसका जा रहा है। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ग्रुप 13 एलिमेंट्स,
फिजिकल प्रॉपर्टी, एटॉमिक मास। तो देखिएगा, आप कह सकते हैं एटॉमिक मास इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन थर्ड ए ग्रुप एलिमेंट्स। तो कंटिन्यूअसली क्या होगा बेटा, एटॉमिक मास इंक्रीज होता है टॉप टू बॉटम जाते हैं तो। ठीक है, जैसे अपन बात करें बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थेलियम। सेकेंड आ जाता है आपके एटॉमिक रेडियस, जिसे आप एटॉमिक रेडियाई भी कह सकते हैं। एलिमेंट्स गिवन है और उनका एटॉमिक रेडियाई पिकोमीटर में डिजिट विथ डिजिट, यहाँ पे एटॉमिक रेडियाई गिवन है आपको स्लाइड में। ठीक है बेटा, तो बोरॉन के लिए 88 पिकोमीटर, एल्यूमिनियम के लिए 143 पिकोमीटर, गैलियम के लिए 135 पिकोमीटर, इंडियम के लिए 167 पिकोमीटर और थेलियम के लिए 170 पिकोमीटर होता है। तो देखिएगा, एल्यूमिनियम के बाद गैलियम में जैसे ही जाते हैं तो वापस रेडियाई क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो ऑर्डर रहेगा आपके बोरॉन, गैलियम, एल्यूमिनियम, इंडियम और थेलियम। ठीक है, तो रेडियस ज्यादा एल्यूमिनियम की क्यों हो जाती है और सडनली डिक्रीजिंग ऑर्डर दिखता है गैलियम में, इसका रीजन हो जाता है बेटा द शार्प इंक्रीज ऑफ एटॉमिक रेडियाई या रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम इज ड्यू टू ग्रेटर स्क्रीनिंग इफेक्ट। एल्यूमिनियम इज ड्यू टू ग्रेटर स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ पेनल्टीमेट सेल। तो यहां पे एल्यूमिनियम में जो है बेटा स्क्रीनिंग इफेक्ट जो है वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, सडनली इंक्रीज होता है और गैलियम में ये थोड़ा डिक्रीज हो जाता है। क्लियर, व्हाट इज स्क्रीनिंग इफेक्ट? देखिएगा, स्क्रीनिंग इफेक्ट किसे कहते हैं, अपन कह सकते हैं न्यूक्लियस से आउटर सेल के बीच जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उन इलेक्ट्रॉन्स में आपस में रिपल्शन प्रोसेस होता है, जिससे एक ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, रिपल करते हैं और अपने से दूर धकेलते हैं। ठीक है, तो देखिएगा डेफिनेशन आप इसका देख सकते हैं, डिक्रीज इन द फोर्स अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस और द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और द वैलेंस इलेक्ट्रॉन या वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू इनर कोर इलेक्ट्रॉन। जो इंटरनल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिन्हें क्या कहते हैं आप, इनर कोर इलेक्ट्रॉन्स शील्डिंग इज कॉल्ड स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को और बाहर की ओर कर रहे हैं, ठीक है, इसे आप क्या कहेंगे बेटा, शील्डिंग इफेक्ट कहेंगे, क्योंकि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्ट नहीं होने दे रहे हैं, वापस रिपल कर रहे हैं। तो आप कह सकते हैं ग्रेटर द स्क्रीनिंग इफेक्ट इज इन द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जितना ज्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा आप आउटर सेल को उतना ही इजी से रिमूव कर सकते हैं। क्लियर बेटा, नेक्स्ट देखिएगा फिर आयोनिक रेडियस। अब आप डिस्कस कर सकते हैं बेटा यहां पर आयोनिक रेडियस को, आयोनिक रेडियस क्या होती है, आयंस फॉर्म करने पर उसका जो रेडियस होगा वो क्या होता है, आयोनिक रेडियस होता है। अब आयोनिक रेडियाई जो होता है वो इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन 13A ग्रुप या थर्ड ए ग्रुप बोल सकते हैं इसको, 13 ग्रुप या थर्ड ए ग्रुप। आयोनिक आयोनिक रेडियस इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन थर्ड ए ग्रुप। ठीक है, देखिएगा ऑर्डर हो जाता है आपके यहां पर बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थेलियम। ओके, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी देखिएगा, जब भी अपन बात करते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में आप लोग जानते हैं बेटा कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी वो मिनिमम एंथैल्पी होती है जो किसी भी एलिमेंट्री फॉर्म में आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने के लिए मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड हो, तो उसे आप क्या कहेंगे बेटा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यू डिक्रीज विथ इंक्रीज इन एटॉमिक रेडियाई, और जैसे जैसे आप एटॉमिक रेडियस को इंक्रीज देखेंगे वहां आईई डिक्रीज मिलेगा। क्लियर, सिंस द आउटर इलेक्ट्रॉन्स बिकम मोर लूजली हेल्ड डाउन द ग्रुप। ठीक है, कि आउटर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मोर लूजली कनेक्ट होते हैं न्यूक्लियस से। देखिएगा बेटा ये आपके एटम है, क्या बेटा ये एटम है, ये आपके एटम है, इसमें देखिएगा आप इलेक्ट्रॉन आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन है, जैसे इसको एनर्जी दी इलेक्ट्रॉन माइग्रेट कर गया, भाग गया। ठीक है, इसे आईई फर्स्ट कहेंगे। लास्ट इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने के लिए जो रिक्वायर्ड मिनिमम एनर्जी होती है वो क्या होती है बेटा,
आईई होती है, और जो फर्स्ट आईई होती है जिससे इलेक्ट्रॉन निकल रहा है उसको आईई फर्स्ट नाम दिया जाता है, जिससे वो आयोनाइज फॉर्म में आ जाता है। देखिएगा ये क्या हो गया, एक इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ तो प्लस वन चार्ज इस पर आ गया एटम पर, इसे मोनोवेलेंट केटाइन कह देते हैं। क्या कह देते हैं बेटा, मोनोवेलेंट केटाइन। क्लियर, ये होता है आपके मोनोवेलेंट केटाइन। अब आउटर इलेक्ट्रॉन, सेकेंड इलेक्ट्रॉन को रिलीज करना है आपको, तो सेकेंड इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने के लिए आई ई सेकेंड की रिक्वायर्ड हुई आपको, जिससे क्या बन गया बेटा, बाइवेलेंट केटाइन बन गया। ठीक है, दो केटाइन आ गए जिसे बाइवेलेंट या डाइवेलेंट केटाइन भी कहा जाता है, इसको और क्या कह सकते हैं बेटा, बाइवेलेंट भी कह सकते हैं। ओके, बाइवेलेंट या डाइवेलेंट केटाइन। फिर बेटा नेक्स्ट है, सो द ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी, तो जैसे जैसे IE इंक्रीज होगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज करता जाएगा, IE का ऑर्डर जो है इंक्रीज होता जाता है। तो सबसे मिनिमम IE मिलेगी आपके I फर्स्ट, फिर ज्यादा I टू, और उससे ज्यादा I थ्री। क्लियर क्या। नेक्स्ट देखिएगा बेटा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज फ्रॉम बोरोन टू एल्यूमिनियम, बट फ्रॉम एल्यूमिनियम टू थेलियम इंक्रीजेस मार्जिनली। एलिमेंट्स आई ई वैल्यू किलो जूल पर मोल में, तो देखिएगा यहां पर डिजिट के साथ आईपी को या आईई को रिप्रेजेंट किया गया है। तो यहां पर देखिएगा, जैसे ही अपन बात करते हैं बोरोन से एल्यूमिनियम में, बोरोन से एल्यूमिनियम जाते हैं तो क्या होता बेटा, सडनली डिक्रीजिंग ऑर्डर मिलता है, ठीक है, और फिर थोड़ा सा इंक्रीज होता है और फिर डिक्रीज हो जाता है। क्लियर क्या, और फिर एल्यूमिनियम टू थेलियम चलते हैं तो वापस इंक्रीज हो जाता है। तो आप कह सकते हैं बेटा कि यहां से यहां डिक्रीज, फिर यहां से यहां इंक्रीज, फिर डिक्रीज और फिर इंक्रीज। क्लियर क्या, तो ऑर्डर हो जाएगा बेटा इस तरीके से कि पहले रहेगा सबसे हाई बोरॉन, फिर थेलियम, फिर आ जाता है गैलियम, और फिर आ जाता है एल्यूमिनियम, और सबसे कम रहता है इंडियम। ओके, तो ये ऑर्डर आपको ध्यान होना चाहिए। क्लियर क्या, इसका जो मेन रीजन है बेटा वो होता है इनर्ट पेयर इफेक्ट। यहां पर देखिएगा, बोरोन का हाईएस्ट आईई होगा पूरे थर्ड ए ग्रुप में, तो आप कह सकते हैं बोरोन हैज हाईएस्ट आईई ऑन थर्ड ए ग्रुप। ठीक है, बोरोन हैज हाईएस्ट आईई इन थर्ड ए ग्रुप। क्लियर, द ऑब्जर्व्ड डिसकंटिन्यूटली इन द आयोनाइजेशन एंथैल्पी बिटवीन एल्यूमिनियम एंड गैलियम एंड बिटवीन इंडियम एंड थेलियम आर ड्यू टू लोअर स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ डी एंड F ऑर्बिटल। तो यहां पे देखिएगा, लोअर या आप कह सकते हैं F का और D का पुअर शील्डिंग इफेक्ट हो जाता है या लोअर स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है, जिसकी वजह से यहां पर वेरिएशन मिलता है IP में। क्लियर बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखिएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जब भी अपन बात करते हैं तो क्या होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टूवर्ड्स इटसेल्फ इज नोन एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या हो जाता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मतलब किसी भी एटम के पास ऐसी टेंडेंसी हो जो किसी बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को, जो अपने से जुड़ा बॉन्ड है, अटैच बॉन्ड है, उसके इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी ओर अट्रैक्ट कर सके। क्लियर क्या, उसे आप EN कह देते हैं। देखिएगा यहां पर ये इंक रिमूव कर देते हैं अपन, इसके बाद देखिएगा अपन कह सकते हैं बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस फ्रॉम बोरोन टू एल्यूमिनियम बट एल्यूमिनियम टू थेलियम इंक्रीजेस मार्जिनली। क्लियर, कि बोरोन टू एल्यूमिनियम डिक्रीज होगी बट एल्यूमिनियम टू थेलियम इंक्रीज हो जाती है। देखिएगा वैल्यू गिवन है आपके पास, तो आप कह सकते हैं बोरोन में 2, फिर एल्यूमिनियम में 1.5 इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी रहेगी, फिर गैलियम में वापस इंक्रीज होती चली जाती है थेलियम तक।
ठीक है, 0.1 का डिफरेंस रहता है गैलियम, इंडियम और थेलियम में, क्लियर। 1 1 1 इंक्रीज होता चला जाता है, 0.11, ठीक है। जैसे यहां पर 2 है, डिक्रीज हुआ, बट एल्यूमिनियम के बाद गैलियम में 0.1 इंक्रीज, फिर 0.1 इंक्रीज, अगेन 0.1 इंक्रीज, ठीक है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर मिलता है, तो आप कह सकते हैं एल्यूमिनियम टू थेलियम ई एन इंक्रीज होता है और बोरोन टू एल्यूमिनियम ई एन डिक्रीज होता है, क्लियर। और ऑर्डर हो जाता है आपके ई एन का बोरोन, थेलियम, इंडियम, गैलियम और सबसे लो एल्यूमिनियम। बोरोन इज द मोस्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट इन थर्ड ए ग्रुप, क्लियर। नेक्स्ट आता है आपके बेटा मेल्टिंग पॉइंट। बोरोन इज एक्सट्रीमली हार्ड एंड ब्लैक कलर्ड सॉलिड। बोरोन क्या होता है बेटा? एक्सट्रीमली हार्ड होता है एंड ब्लैक कलर्ड सॉलिड होता है। द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बोरोन आर वेरी हाई। बोरोन के मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही हाई होते हैं। द ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ थर्ड ए ग्रुप एलिमेंट्स इज एज फॉलोज। तो देखिएगा किस तरीके से आप यहां पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि इनके डिजिट्स दिए हुए हैं, उनको आप डिस्कस कर सकते हैं बेटा। देखो बोरोन के लिए मेल्टिंग पॉइंट जो है केल्विन में 2453, एल्यूमिनियम के लिए 933, गैलियम 303, इंडियम 430, थेलियम 576, ठीक है। ये डिजिट होती है मेल्टिंग पॉइंट्स की बोरॉन टू थेलियम, ठीक है बेटा। तो आप डिजिट से भी इनका ऑर्डर चेक कर सकते हैं। हाईएस्ट एमपी किसका? बोरॉन, फिर एल्यूमिनियम, फिर थेलियम, अगेन इंडियम एंड लास्ट गैलियम, ठीक है। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा बेटा यहां पर? बोरॉन, एल्यूमिनियम, थेलियम, इंडियम एंड गैलियम, मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर रहेगा ये आपके, क्लियर। क्या देखिएगा रीजन क्या होता है यहां पर? ड्यू टू वेरी स्ट्रॉन्ग क्रिस्टल लैटिस बोरोन हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट। तो बोरोन का क्रिस्टल लैटिस हाई होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए ये क्या रखता है बेटा? हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट रखता है। गैलियम हैज लो मेल्टिंग पॉइंट सिंस इट एग्जिस्ट एज सिंपल Ga2 मॉलिक्यूल। ये जो होता है Ga2 मॉलिक्यूल में एग्जिस्ट करने लगता है, जिससे यहां पर गैलियम का मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है। बॉइलिंग पॉइंट, द ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ थर्ड ए ग्रुप एलिमेंट्स इज एज फॉलो। इनका भी डिजिट दिया हुआ है बॉइलिंग पॉइंट के लिए, तो देखिएगा बॉइलिंग पॉइंट के लिए जो डिजिट होगा इसमें बोरॉन का हाइएस्ट, फिर एल्यूमिनियम, फिर गैलियम, इंडियम एंड थेलियम। तो अब आप कह सकते हैं कि टॉप टू बॉटम जाने पे बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होता है, ठीक है, बट मेल्टिंग पॉइंट में वेरिएशन मिला है बेटा, ओके। तो उस चीज को आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट दोनों में जब ऑर्डर चेक करते हैं तो डिफरेंस मिलता है, क्लियर। नेक्स्ट देखिएगा यहां पर, मैं कैन नॉट ड्यू टू लार्ज डिफरेंस इन टेम्परेचर बिटवीन मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट गैलियम इज यूज एज ए पायरोमेट्रिक लिक्विड। तो यहां पर गैलियम को किसके फॉर्म में यूज किया जाता है बेटा? पायरोमेट्रिक लिक्विड के फॉर्म में, फिल्ड इन हाई टेम्परेचर मेजरिंग लिक्विड थर्मोमीटर्स, ठीक है। ये थर्मोमीटर्स में यूज किया जाता है जहां पर हाई टेम्परेचर को मेजर करना होता है, किसे बेटा? गैलियम को, ठीक है। क्या डेंसिटी? डेंसिटी ऑफ द थर्ड ए ग्रुप एलिमेंट्स इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। टॉप टू बॉटम जाते हैं तो ये इंक्रीज होता है। तो यहां पर देखिएगा एलिमेंट दिया हुआ है सॉलिड स्टेट ग्राम पर सीसी, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब, और लिक्विड स्टेट ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो देखिएगा यहां पर 2.34 सॉलिड स्टेट में, और डेंसिटी लिक्विड में क्या हो जाएगी इसकी? 2.36 इंक्रीज हो जाती है। एल्यूमिनियम के लिए देखिए 2.69 इंक्रीज हो रहा है और लिक्विड में डिक्रीज हो जाता है।
गैलियम में इंक्रीज होगा और सॉलिड स्टेट में भी इंक्रीज हो रहा है और लिक्विड स्टेट में भी सॉलिड से ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। देखिएगा डिजिट, देखो 5.09, यहां पर 6.09 हो जाता है, इंक्रीज हुआ ना। इंडियम 7.31, 7.1 यहां डिक्रीज हो जाता है लिक्विड में। तो कभी क्वेश्चन बन सकता है यहां से, ठीक है बेटा, कि लिक्विड स्टेट में और सॉलिड स्टेट में इंडियम का ऑर्डर क्या होगा। तो इंडियम का सॉलिड में हाई रहता है और लिक्विड में डिक्रीज हो जाता है। और थेलियम 11.5, 11.2 यहां पर भी डिक्रीज हो रहा है। तो आप देख सकते हैं बेटा कि यहां गैलियम में इंक्रीज हुआ है, ठीक है, बाकी बोरोन में इंक्रीज हुआ है, ठीक है। बोरोन और गैलियम में जब लिक्विड स्टेट में गए तो इंक्रीजिंग ऑर्डर मिला डेंसिटी का सॉलिड टू लिक्विड, बट अदर में एल्यूमिनियम, इंडियम और थेलियम इनमें क्या होता है बेटा, डिक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट देखिएगा बेटा, इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर और मेटेलिक नेचर। तो आप जानते हैं बेटा इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर ऑर्डर ऑफ थर्ड ए ग्रुप एलिमेंट्स इज गिवन बिलो। तो आप कह सकते हैं कि ये होगा सबसे ज्यादा जो है वो एल्यूमिनियम मेटेलिक कैरेक्टर रखता है या इलेक्ट्रो पॉजिटिव। देखिएगा अपन बोरोन की बात करते हैं तो बोरोन क्या होता है, नॉन मेटल होता है। क्या होता है बेटा, नॉन मेटल होता है, ठीक है। और आप ऐसे लिख सकते हैं इसको, ऑर्डर जो होगा मेटेलिक कैरेक्टर का वो या फिर इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी कैरेक्टर, तो एल्यूमिनियम, बोरोन, गैलियम, इंडियम और थेलियम। और एक ऑर्डर होता है आपके बोरोन से ज्यादा एल्यूमिनियम और गैलियम, इंडियम और थेलियम से हाई एल्यूमिनियम कैरेक्टर रखेगा, पॉजिटिव कैरेक्टर और मेटेलिक कैरेक्टर। क्लियर। क्वेश्चंस देखिएगा यहां पर, विच थर्ड ए ग्रुप एलिमेंट्स हैज लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट। क्या हो जाएगा बेटा, गैलियम। द ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर ऑफ थर्ड ए ग्रुप एलिमेंट्स इज, ये ऑर्डर दिए हुए हैं आपको, तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर आपको सिलेक्ट करना है इसमें, ठीक है। तो देखिएगा क्या हो जाएगा, थर्ड, अभी अभी डिस्कस किया आपने, एल्यूमिनियम मोर देन कैरेक्टर रखता है। विच थर्ड ए ग्रुप एलिमेंट इज यूज एज पायरोमेट्रिक लिक्विड, बोरोन, गैलियम, एल्यूमिनियम, थेलियम। तो आ जाएगा गैलियम, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज,